हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ हसन नसरल्लाह को याद करते हुए शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हजारों लोग नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा, आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें, मुसलमान एकजुट रहें, हमें एकजुट होकर रहना होगा, हमें प्यार मोहब्बत से रहना होगा। इसराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए खामेनेई ने कहा, इसराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। चलिए बात करते हैं खामेनेई द्वारा तकरीर में कही कुछ अहम बातों की। खामेनेई ने कहा, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ईरान ने इसराइल को मिसाइल से जवाब दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हों, ये तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन हैं। दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। इसराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान भी हमारा साथ दें, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। इसराइल को लेबनान से मार भगाया गया था, लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इसराइल के खिलाफ लड़े। मुसलमानों पर सितम ढहाया जा रहा है, हमास भी फिलिस्तीन मुस्लिमों के हक के लिए इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है। फिलिस्तीन लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वह उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास का हमला जायज था, हमास ने बिल्कुल सही किया था।